पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले शराब माफिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये माफिया प्रेस लिखी होंडाई कार में 5 पेटी शराब ले जा रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जबलपुर रोड पर स्थित ढाबा का संचालक गुल्लू अपनी कार में अवैध शराब रखकर ला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और कार की चेकिंग की तो उसमें 5 पेटी शराब बरामद हुई। आरोपी गुल्लू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जब्त हुई शराब की कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना पर हमने घेराबंदी करके जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई थी एक्सेंट उसको पकड़ा। उक्त गाड़ी से 3 पेटी जीनियस विस्की की और 2 मेगडाल नंबर 1 की शराब बरामद की गई। आरोपी गुल्लू खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चाबी से लाना बताया था, जिसकी तस्दीक की जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।